ओम शांति। आज 25 फरवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 मार्च 1998 को सुनाए थे, जिसमें आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने श्रेष्ठ भाग्यवान है। दुनिया के अंदर भक्त भगवान की महिमा गाते हैं, लेकिन यहां स्वयं भगवान बच्चों की महिमा स्वयं गा रहे हैं। दुनिया वाले लोग कहते हैं कि हाँ, भगवान ने हमें रचा, लेकिन ये मालूम नहीं कि भगवान कैसे रचते हैं। और यहाँ छोटा बच्चा होगा, वो भी कहेगा कि भगवान ने हमें कैसे रचा। ईश्वर बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा हम बच्चों को रचा है। तो इतनी सहजता से बाप को भी जानते और रचना कैसे हुई वह भी जानते हैं। तो बाबा कहे, आप सभी इतना स्वयं में फलक से और निश्चय से ये अनुभव करते हो कि ये बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप के रूप में सर्वप्रथम हम बच्चों की परमात्मा पालना हो रही है। परमात्मा पिता है, तो पिता के रूप में परमात्मा पालना को अनुभव कर रहे हैं। सारे कल्प में इस ब्राह्मण जन्म में ही बाबा कहे, आप बच्चों को ये अनुभव प्राप्त है परमात्मा पालना का। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, हर प्रकार का वर्षा खजाना सब कुछ अनुभव होता है। और दूसरा बाबा कहे, परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता। तो परमात्मा पालना और परमात्मा प्यार दोनों ही हमें इस समय प्राप्त होता है। ये अनुभव ऐसा है जो बाबा कहे देह भान को भुला देता, अनेक स्वार्थ भरे प्यार को भी भुला देता। ऐसे परमात्मा पालना और प्यार के अंदर पलने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। दूसरा बाबा कहे, परम शिक्षक के द्वारा पढ़ाई की पालना मिल रही है और ये भाग्य भी हम बच्चों को इसी समय मिलता है कि बाबा कहे, आप गॉडली स्टूडेंट को स्वयं भगवान शिक्षक बन करके पढ़ाने आते हैं। कभी कोई टीचर ऐसा देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर तो है नहीं। और पढ़ाई भी कितनी सिंपल, सिर्फ आप और बाप, आत्मा और परमात्मा, इन दो शब्द में चक्र का ज्ञान कहो या ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सीढ़ी कहो, सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो बाबा कहे, ये पढ़ाई भी ऐसी जो दिमाग पर कोई बोझ भी नहीं पैदा करती। दुनिया के अंदर तो पढ़ाई ऐसी है जो दिमाग के ऊपर बोझ यानी टेंशन पैदा कर देती है, लेकिन यहाँ तो बाबा और ही इस पढ़ाई के द्वारा मन बुद्धि को हल्का कर देते हैं, और इतना हल्का कर देते हैं जो सहजता से मन बुद्धि उड़ने लगती है। ऐसी ये पढ़ाई है जो सहजता से बाबा कहे हमें प्राप्त होती है और कल्प में किसी को भी नहीं मिलती ऐसी पढ़ाई। फिर सतगुरु के द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए, जो मन के अंदर क्वेश्चन है क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, तो उसका जवाब एक ही बात में, फॉलो फादर। बस फॉलो फादर किया, कैसे ब्रह्मा बाबा ने किया तो सामने जवाब आ जाता है। तो बाबा कहे, साकार में कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करो। और फिर सतगुरु के रूप में वरदान भी हमें रोज मिलते हैं। बाबा कहे, दुनिया के अंदर कोई गुरु होगा कितने वरदान देंगे? एक देंगे, मैक्सिमम 10 देंगे, उससे आगे तो नहीं देंगे।
लेकिन ये बाबा हमें कितने वरदान देते हैं। तो इसीलिए सब बच्चे भी भाग भाग करके उस सतगुरु से वरदान प्राप्त करने के लिए सामने आते हैं। लेकिन बाबा कहे, जब बाबा कई बार सुनते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, सोल कॉन्शियस होने का प्रयत्न करते हैं, योग लगता नहीं है, लगाने की मेहनत करते हैं, तो उसका कारण बाबा ने बताया कि ये इतनी प्राप्तियां जो हुई है, उन प्राप्तियों को इमर्ज रूप में मन में रखो, बुद्धि में इमर्ज रखो, प्राप्तियों को मर्ज नहीं करो। जब प्राप्तियां मर्ज हो जाती है तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी तो क्या होगा? तो बाबा ने कहा, आपकी स्थिति अचल हो जाएगी। कितनी भी बड़े से बड़ी बातें आए, लेकिन आपको हलचल में नहीं ला सकेगी, क्योंकि आपके सामने प्राप्तियां इमर्ज रूप में है और उन सब प्राप्तियों का अनुभव है, परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का, परमात्मा वरदान का, ये सब बातों का अनुभव है। तो इसीलिए तो बाबा कहे, आपका यादगार आबू में ही अचल घर के रूप में है, तो इसलिए इस यादगार को स्मृति में ले आओ। तो बाबा कहे, अब बाबा ये देखना चाहते हैं, बच्चे के सामने कितनी भी बड़े से बड़ी बातें क्यों ना आए, 100 हिमालय जैसी बातें भी क्यों ना आए, लेकिन फिर भी अचल अडोल स्थिति में रहे और सब बातों को सहजता से बिना मेहनत के पार कर दे, ऐसी बाबा बच्चों की स्थिति देखना चाहते हैं। साथ ही बाबा कहे, बाबा ने ये वर्ष विशेष मुक्त होने का वर्ष कहा है, तो बाबा अगले साल 18 जनवरी को देखेंगे कि बच्चे कितने मुक्त हुए हैं और ये सारा वर्ष मुक्ति वर्ष के रूप में कितना मनाया है। प्राप्तियां सामने होगी, इमर्ज होगी, तो क्या बनाया बाबा ने और हमें क्या मिला है, और बाबा क्यों ये देखना चाहते हैं मुक्ति के रूप में, मुक्त वर्ष के रूप में मनाते हुए, क्योंकि बाबा कहे अभी उसके बाद जीवन मुक्ति स्थिति में देखना चाहते हैं। मुक्ति के बाद ही तो जीवन मुक्त स्थिति आएगी, तो इसीलिए बाबा कहे अभी से वो संस्कार स्वयं में भरने हैं, निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? क्योंकि बाबा कहे अभी समय का परिवर्तन विश्व परिवर्तक आत्माओं का इंतजार कर रही है कि कब विश्व परिवर्तक आत्माएं परिवर्तन करके तैयार हो जाए, तो समय परिवर्तन करना आरंभ करे। दूसरा बाबा कहे, प्रकृति भी आवाहन कर रही है, प्रकृति पति आत्माओं का, कि हे प्रकृति पति आत्माएं, आप आओ, विजय का हार लेके वो आवाहन कर रही है। तीसरा बाबा कहे, समय घंटा बजाने के लिए इंतजार कर रहा है कि मैं कब समाप्ति का घंटा बजाऊं। तो ये बाबा कहे, आप अधिकारी आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं। और चौथा, भक्त आत्माएं भी सदा याद कर रही है कि हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान दे। फिर दुखी आत्माएं पुकार रही है कि हे दुखहर्ता सुखकर्ता आत्माएं, आओ। इसलिए बाबा कहे, सब आपका आवाहन और इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अब इनों के इंतजार को समाप्त करो, सब रुके हुए हैं। तो बाबा कहे, आप मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त, ये सब मुक्त हो जाएंगे। सबका आधार हम सब आत्माओं के ऊपर है, इसीलिए बाबा कहे आपकी ताजपोशी होनी चाहिए। तो अब हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। इसीलिए बाबा कहे, अब दृढ़ संकल्प करो, होना ही है,
ये दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता समाई हुई है। फिर बाबा ने देखा, विशेष एक खुशखबरी सुनाते हैं कि मधुबन वालों ने परिवर्तन का संकल्प लिख करके बाबा को दिया, लक्ष्य रखा है, तो बाबा मुबारक देते हैं उसकी भी और कहते हैं जो कागज पर है वो कर्म में जरूर ले आना। बाबा को भी खुशी हुई क्योंकि मधुबन निवासी है अर्जुन है, निमित है, जिनको देख करके सारे देश विदेश की आत्माएं भी फॉलो करती हैं। तो इसलिए बाप दादा मधुबन निवासियों को एक बहुत सूक्ष्म बात समझाते हैं कि जब कोई भी कार्य दादी जी देती है तो जब उसको हाजी करके फॉलो करते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स हाजी करने का प्राप्त हो जाता है, और हर बार हाजी करके जब फॉलो कर लेते हैं तो हर बार का एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होते होते वो हमें बहुत आगे निकाल देता है। तो इसलिए बाबा कहे हाजी करने की भी एक्स्ट्रा मार्क्स लेते जाओ। तो इस तरह से बाबा ने बच्चों को परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करने की भी मुबारक दी, और बाबा ने कहा प्रत्यक्ष करने का मधुबन ही क्या हो जाता है, शीश महल बन जाता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 मार्च 1998 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाबा सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। इतनी ये भाग्य की बात है, सारी दुनिया जिस परमात्मा की महिमा गाती है वो परमात्मा स्वयं बच्चों की महिमा गा रहे हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था बन गया, कल्प पहले भी बना हुआ था और फिर बन गया, ऐसे बाबा कहे कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता न रचना का पता है, सिर्फ कह देते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकूर से कहते हो, अनुभव और फकूर से कहते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये खाली कहने मात्र नहीं कहते, लेकिन अनुभव और फकूर माना उस नशे से कहते हैं कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां है, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे। बाबा कहे छोटे बच्चे से भी पूछो कि आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे, फलक से कहेंगे। बाबा कहे उस नशे से कहेंगे, फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है,
लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। दुनिया के लोग सिर्फ कह देंगे कि हाँ परमात्मा भगवान हमारा पिता है, लेकिन कैसे हैं वो मालूम नहीं। लेकिन बाबा कहे यहाँ तो आप फलक से कह देते हो कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं और उससे मिलते हैं डायरेक्ट, और वह भगवान हमारा बाप है, टीचर है और सतगुरु भी है। सबको ये नशा है, तो सभी ने जोर से ताली बजाई। तो बाबा कहे एक हाथ की ताली बजाना, अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। फिर बाबा एकदम कहे बच्चों को खुश देख, बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। इतनी बाबा को भी खुशी होती है अपने एक एक विशेष श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देखकर। फिर बाबा तीन रूप से कैसे हम बच्चों के भाग्य को संवारते हैं, बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। ये परमात्मा पालना बाप के रूप में सिर्फ कल्प के इस अंतिम जन्म में, ब्राह्मण जन्म में बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। इतना श्रेष्ठ ये परमात्मा प्यार है जो स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता, देह भान को भुला देता और सर्व संबंधों का अनुभव कराता। ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। तो सबसे पहले परमात्मा प्यार की पालना में पलने वाली हम सब श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। फिर दूसरा भाग्य है शिक्षक के रूप में पढ़ाई का। तो पहला भाग्य बाप के रूप में श्रेष्ठ पालना का और परमात्मा प्यार का। दूसरा है कितना आप श्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं। और कितना सहज पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? बाबा कहे दो शब्द की तो पढ़ाई है। कौन से दो शब्द की? आप और बाप। इन्हीं दो शब्दों में चक्र को हो, ड्रामा को हो, कल्प वृक्ष को हो, सारी नॉलेज समाई हुई है। आत्मा और परमात्मा इन दो शब्द में बाबा कहे सारी पढ़ाई समाई हुई है, चाहे चक्र की कहो, ड्रामा की कहो, कल्प वृक्ष की कहो, सारी नॉलेज इसी में समाई हुई है। और पढ़ाई में तो बाबा कहे कितना दिमाग पर बोझा पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। इतना दिमाग इस पढ़ाई से हल्का हो जाता जो बाबा कहे सहजता से ऊंचा उड़ सकते हैं। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से
मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? बाबा कहे, ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में किसी ने पढ़ी है? जिस पढ़ाई से मन बुद्धि हल्की हो जाए और एकदम ऊंचा उड़ने लगे। कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना, तो ये भी एक भाग्य है। पहला भाग्य परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार का भाग्य। दूसरा भाग्य पढ़ाई का भाग्य, जो परम शिक्षक द्वारा हमें प्राप्त होता है, और इतनी सहज पढ़ाई जो मन बुद्धि एकदम हल्का हो जाए और उड़ती कला में आगे जाने लगे। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। बस बाबा ने क्या किया, अगर ये स्मृति में आ जाए कि ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया होगा, तो एकदम उत्तर मिल जाता है। तो प्रश्न सारे समाप्त हो जाते, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, बाबा कहे एक ही जवाब, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, और निराकार स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म किया, और जहां स्थिति बनानी है तो निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते और श्रीमत पर सहजता से चल सकते हैं। ये मुश्किल है, पूछते बाबा, पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, बस कॉपी कर लेना है। बाप समान बनना, अर्थात फॉलो फादर करना, मुश्किल है या सहज है? पूछते बाबा, क्या ये मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। फिर बाबा ने कहा, 30 साल वाले हाथ उठाओ, जो 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और वो बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज लगा? पूछते बाबा, अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। तो बाबा ने उस समय देखा कि गर्मी के कारण, मार्च महीना शुरू हो गया था, गर्मी आरंभ हो गई थी, तो गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं और हिला रहे हैं। तो बाबा कहे, अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया, अच्छा है। हर बात को बाबा अप्रिशिएट ही करते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे पंखे हिला रहे हैं, गर्मी लग रही है, पता नहीं मेरी बातें सुनते हैं नहीं सुनते हैं। बाबा उसको भी देख कर कहते हैं, अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं,
बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, एक या दस ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। एक तो श्रीमत मिलती है, दूसरा वरदान मिलता है रोज। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना, आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, बस हमें सहज पुरुषार्थ कैसे कर देना है अपना, उसकी विधि बाबा बताते हैं कि सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो, मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो, भाग्य के प्राप्तियों को इमर्ज रूप में बुद्धि में रखो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो क्या होगा? तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। प्राप्तियों की लिस्ट सामने होगी तो उसे खुशी होगी, तो कोई भी विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेगी। विघ्न मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। जब बाबा ये बात सुनते हैं, देखते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। और उसका कारण क्या है? तो बाबा कहे, कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती, युद्ध करनी पड़ती है, योग नहीं लगता है, सोल कॉन्शियस नहीं बनते हैं। तो बाबा कहे, कारण है अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं, होना तो ऐसे चाहिए, बात बराबर है, होना तो ऐसे चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ बाबा ये एकदम सरल और सहज कर देते हैं। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ क्या? प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि यहां आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना, ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। बाबा कहे, ये यादगार को स्मृति में लाओ और अचल रहना है, इस स्वमान को जागृत करो और उसके लिए प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखो। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी है कि मैं आत्मा हूं, ड्रामा है, ये तो विघ्न है, ये तो साइड सीन है, बोलते भी है, माना अंदर में समझते भी है, लेकिन हिलते भी रहते हैं। विघ्न को देखकर, साइड सीन को देखकर हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते हैं। क्या करते बच्चे? हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सकते। बाबा कहे, जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है,
मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठवाए तो कोई का उठे कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। सभी ने ताली बजाई तो बाबा कहे चलो अभी बजा दी तो ठीक है। लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे कि हर एक बच्चे इतनी जोर से अपने ताली बजाते देखे, अर्थात अपने भाग्य की स्मृति सामने ले आए, प्राप्तियों की लिस्ट को सामने ले आए और सदा अचल अडोल स्थिति में हो। अभी तो बजाई अच्छा है लेकिन तब भी बजाना। बजाएंगे? देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया बच्चों ने, हाथ की ताली बजा के तो बाप दादा को खुश कर दिया। लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएंगे कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। बाबा कहे बाबा पूछेंगे, हाथ उठवाएंगे कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया व सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। दिखाएंगे? पूछते बाबा, दिखाएंगे। अच्छा याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी इमर्ज करो, बाबा को याद करो और बाबा ने जो दिया उन प्राप्तियों को भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला? बाप दादा इस वर्ष के बाद क्या देखना चाहते हैं? तो बाबा कहे बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? क्यों बाबा ने कहा निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से कर्म में लाओ, अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। समय इंतजार कर रहा है कि कब विश्व परिवर्तक आत्माएं स्वयं परिवर्तन हो जाए तो समय का परिवर्तन भी अपने आप होने लगे। दूसरा बाबा कहे प्रकृति, आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आवाहन कर रही है, तो समय का परिवर्तन विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेकर आवाहन कर रही, समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए, तो समय घंटा बजाने के लिए भी इंतजार कर रहा है। और चौथे भक्त आत्माएं, तो एक तो समय का परिवर्तन विश्व परिवर्तक आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं, दूसरा प्रकृति प्रकृति पति आत्माओं का आवाहन कर रही है विजयी माला का हार लेकर के, तीसरा बाबा कहे समय
विजय का घंटा बजाने के लिए भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रही है कि कब घंटा बजाए। और चौथा, भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है, भक्त आत्मा भी इंतजार कर रही है कि कब हमें मुक्ति का वरदान मिलेगा। फिर दुखी आत्माएं पुकार रही है कि कब दुखहर्ता सुखकर्ता आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। इसलिए क्या कहे बाबा, इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाए। हमारे ऊपर ही सबका आधार है, तो इसीलिए बाबा कहे उसके लिए एक ही कार्य करना है, स्वयं मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत दुखी आत्माएं सब मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजदारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता, पूछते बाबा, क्या आपको रहम नहीं आता, दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, क्या कहा है, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। समझा बाबा कहे, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे और ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा, ऐसे नहीं यहां से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना ये हो गया ये हो गया, ये नहीं सुनेंगे बाप दादा, ये बात नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, अगर ऐसे पत्र लिखेंगे भी तो बाबा कहे उसको वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, इसलिए बाबा कहते बच्चे दृढ़ संकल्प करो, होना ही है विजयी, मुक्ति वर्ष होना ही है, मुक्त होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हो ना, टीचर्स हाथ उठाओ। बाबा के सामने टीचर्स बैठे थे तो बाबा कहे टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स बहुत है, सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? फिर बाबा कहे देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं, उस वर्ष मधुबन वालों ने विशेष बाबा को पत्र लिखा था, तो इसीलिए बाबा वो खुशखबरी सुनाते हैं। देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं, बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। दादी जी ने बाप दादा को सुनाया कि सभी मधुबन वालों ने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है, लक्षण तो देखेंगे लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है।
तो बाबा भी उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा और ज्यादा उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, सभी ने लिखा है तो कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है, तो बाप दादा को खुशी हुई क्यों? बाबा कहे तो बाप दादा को खुशी हुई क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी है। हे अर्जुन मधुबन निवासी, अर्जुन अर्थात जो पहला कदम उठाए परिवर्तन का, तो इसीलिए बाप दादा को खुशी हुई कि हे अर्जुन मधुबन निवासियों ने ये कदम उठाया, अपने परिवर्तन का संकल्प लिख करके दिया और अंतर भी महसूस कर रहे हैं। निमित मधुबन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश के निमित सेवाधारी टीचर्स है और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे क्योंकि हॉल सारा भरा हुआ था और सभी सेवा में भी थे, तो बाबा कहे मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। मधुबन वालों में भी कईयों ने तो लिखा ही नहीं है, आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। बाबा पूछते हैं उनको, बहुत बिजी रहे हैं लेकिन जब काम मिलता है, बहुत सूक्ष्म बात यहाँ बाबा समझाना चाहते हैं मधुबन वालों को भी, कि जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। चलो परिवर्तन नहीं भी कर पाए लेकिन खाली लिखा तो भी मार्क्स जमा होती है, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगी, तो नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, ये नहीं कि दादी ने दिया, क्योंकि दादी को भी बाबा की टचिंग होती है, तो इसलिए बाबा कहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं। चाहे निमित आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना न अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देते हैं कि मार्क्स जमा नहीं हुई, अगर दादी ने जो बात सुनाई उसको प्रैक्टिकल कर्म में नहीं लाए तो मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो, बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना। कई लोग इसीलिए नहीं लिखते हैं कि बाप दादा तो जानते ही है ना, जानते तो है लेकिन कहा क्यों? बाबा ने कहा क्यों, जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य है छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हो जाती है, तो हांजी किया कोई भी कार्य के लिए तो हांजी करने में भी एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हो जाती है। ये सूक्ष्म गति बाबा ने बताई, और ऐसी हांजी करने वाली बात को भी जो एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हुआ, तो बाबा कहे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। वह समझते भी है कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन लेकिन ही कहेंगे बाबा कहे लेकिन लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी है
जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने में मार्क्स ले लेते हैं। ये सूक्ष्म गति कैसे भी मार्क्स ले लेते, जमा कर लेते हैं, और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वह आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा, मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसीलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं, जिसने हाजी करके परिवर्तन का अपना दृढ़ संकल्प लिख करके दिया तो बाबा उनको हाजी करने की मुबारक देते हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल, मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। फिर बाबा एकदम बच्चों को ड्रिल की ओर अटेंशन खिंचवाते हैं और कहते हैं, अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विथ ऑनर बनाएगा, एक सेकंड में अशरीरी, यही अभ्यास लास्ट में पास विथ ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं, एक सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सतगुरु के वरदान के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी मुक्त वर्ष में नंबर वन मधुबन निवासी, ठीक है? बाबा पूछते, अभी मुक्त वर्ष में नंबर वन मधुबन निवासी, ठीक है? हो सकता है या मुश्किल है? तो सभी ने हाँ जी कहा। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैज देगा। मधुबन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है, मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे। अच्छा, बैज देंगे आपको। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी।
अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहां बुद्धि न जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहां जा नहीं सकती। एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहां जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। आज का स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, ओम शांति।